37 घंटे गुजर गए, तीन बार के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ईसेल से ना निकाला गया। तब्दीली सरकार के ताखीरी हरबे जारी, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं, हुकूमत आज मुशावरत करेगी। हॉक्स मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ पर नाला, जुल्फी बुखारी के अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद, डील या ढील का तासुर दिया जाने लगा। तजियाकारों का कहना है कि वजीर आजम भी साजिशी नजरिए का शिकार हो गए। पैक का एक और मंसूबा मुकम्मल, वजीर आजम आज हवेलियां मानसेरा मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। मानसेरा से थाकोट तक सड़क फरवरी 2020 तक मुकम्मल होगी। नून लीग की मकामी क्यादत का वजीर आजम की आमद पर स्याह झंडे लहराने का ऐलान। प्लान बी के तहत जमीत उलमा इस्लाम का मुख्तलिफ शहरों में धरना पांचवें रोज में दाखिल, कराची में बल्दिया हब रिवर रोड लकी आम ट्रैफिक के लिए बंद, टोटकी में धरने के शुरका की विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर हाईकोर्ट में मौलाना फजल रहमान के प्लान बी को रोकने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत, अदालत का विफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। वफाक हुकूमत की एक और तैनाती पर हुक्म इम्तना जारी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इब्राहिम हक की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रेसेंट तैनाती रोक दी। चीफ जस्टिस अरमिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत तक तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। जनरल नज़ीर वादी को जहन्नम बने 106 रोज हो गए, अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत, लाखों कश्मीरी घरों में कैद, बारामूला में भारतीय दरिंदों का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, 5 कश्मीरी गिरफ्तार।